तो मैंने सोचा कि भाई फ्लाइट की ट्रिप की जाए एक, क्योंकि बहुत टाइम से भाई फ्लाइट में नहीं बैठे थे। ये भाई बॉर्डरी काउंटर, अब ना लद्दाख, चाइना, पाकिस्तान, कश्मीर, कहाँ भी जाना है, गोवा। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो राम राम जी सारे ने, तो भाई स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में, और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया था भाई, मतलब एक डेढ़ साल हो गया जब से ब्लॉग करने लगा हूँ मैं। तो मतलब ट्रिप अपना कभी बाइक पे चल रही है, कभी कार में चल रही है, ट्रेन में चल रही है। तो आज भाई मौका भी था और एनिवर्सरी भाई भाभी की थी तो मौका भी था, तो मैंने सोचा कि भाई फ्लाइट की ट्रिप की जाए एक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि बहुत टाइम से भाई फ्लाइट में नहीं बैठे थे, भाई 3-4 साल हो गए फ्लाइट में बैठे। तो फिर आ जाए भाई, लो बजट ट्रिप निकाला एक बेहतरीन, देख सकते हो आप। और हम आए भाई हवाई अड्डा रेस्टोरेंट मुरथल, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो फिर देखते हैं भाई, सुना है बहुत यहाँ के बारे में, देखते हैं फिर यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। और लिखा तो हुआ भाई मतलब 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। और भाई ये गोहाना से लगभग 45 किलोमीटर है, पानीपत से भी 45 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 104 किलोमीटर है, 104 किलोमीटर, और मुरथल अमृत सुखदेव जो बोलते हैं उससे 2.5 किलोमीटर, और सोनीपत से 10 किलोमीटर। तो भाई जो भी नियर भाई मतलब ये रूट पड़ता है। तो फिर देखते हैं, बताता हूँ आपको सारी टिकट प्राइस और जो भी है एक्स्ट्रा। तो फिर चलो अंदर चलते हैं। चलो भाई। तो भाई यहाँ बच्चों के लिए मतलब बच्चे या बुजुर्ग जो भी है यहाँ पे, ऊँट भी है, अपना किराए पे सवारी करवाते हैं यहाँ। तो फिर देखते हैं आगे। और ये भाई ऐसा कुछ लुक, और नाइट में तो भाई गजब लग रहा है, शानदार जबरदस्त। और भाई आप जैसे ही अंदर आओगे तो पार्किंग है बिल्कुल फ्री, और बहुत बड़ी पार्किंग है भाई, और पार्किंग अपने रिस्क पे है लेकिन पार्किंग बहुत बड़ी है। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने। ये भाई कुछ लुक एयरप्लेन का, और देखो क्या मतलब यार, बिल्कुल रियल है, रियल है, वैसे भी रियल है लेकिन बिल्कुल ऑसम ऑसम, जिंदाबाद। और भाई यहाँ स्टार्टिंग में अपनी दो शॉप, और फिर अंदर है लव का, दिल का निशान, हार्ट का निशान। यहाँ अपना लाइव परफॉर्मेंस होती है, शायद तैयारियाँ हो रही हैं। और ये है भाई वो ड्रामा जो मतलब आजकल ट्रेंड है, ये ऐसे घूमता है ड्रामा, ऐसे चलता है देख लो, और लड़कियों की खुशी देखो, मतलब हद है, वह क्या ड्रामा आयो। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eye. सच कहूं तो दिल खुश हो गया। और भाई थोड़ा सा आगे चलते फिर टैटू की शॉप है, और ये पॉपकॉर्न की, और ये अपना बबू उठाने की। फिर एक ये नीचे भी रेस्टोरेंट है भाई, जिसको फ्लाइट में नहीं खाना वो अपना नॉर्मली ढाबे पे खा सकता है। यहाँ भी अच्छी है फैसिलिटी, तो सोफे वगैरह है, क्लीन भी है, सफाई भी है। तो मतलब अब तुम लोगों को भी अमेरिका वालों के साथ और लंदन वालों के साथ और बाहर की कंट्री वालों के साथ लाइव जाना है। यहाँ पे चिप्स, कुरकुरे, केक वगैरह भी है, हम तो चलो केक घर से लाए, इडली, सांभर, डोसा, भटूरे, ये अपना रॉयल लोटे की ढाल बना रहा क्या, वो दो फोटो उतरवाने का। और ये भाई अपना लद्दाख, चाइना, पाकिस्तान, कश्मीर, जहाँ भी जाना है, गोवा, सिंगल लड़के गोवा कहाँ जाएंगे। तो ये भाई बाउंड्री काउंटर, यहाँ से अपना टिकट लो और टेक ऑफ कर दो फ्लाइट के लिए। तो भाई ये आपका बोर्डिंग पास, जहाँ भी आपको जाना है, चाइना, पाकिस्तान, कश्मीर, गोवा, एक्स वाई जेड दिखाता है। तो भाई यहाँ का किराया है जैसे 200 रुपये दो मेंबर के, और वो आपके खाने में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि भाई फ्लाइट वगैरह है। तो भाई मतलब कोई ऐसा भी होता होगा ना जो आता है सिर्फ घूम के चले जाते, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे, तो इसलिए भाई 100 रुपये तो ठीक कर रखे हैं, और वो खाने में इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो तो फिर कोई मतलब नुकसान तो है ही नहीं इस चीज़ का। भाई ऊपर फ्लाइट में जाने से पहले ये हैं बच्चों की चीज़ें, मतलब खेलने कूदने की, जो छोटे बच्चे होते हैं भाई वो उनका यहाँ पे ज़्यादा मन लगता है। 4-5 झूले हैं, एक ये है, ये है मिक्की माउस है, और वो हेड मसाज टाइप है, और एक ये है, मतलब ठीक है, अच्छा है यार, मेरे को भी झूलना है इसमें, पर झूलाते नहीं है यार, ज्यादा पतला हूँ ना मैं, इसलिए भी हो सकता है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है, जिंदगी तो ऐसी भाई, वरना क्या खाक बराबर, हम कहाँ जी रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो
चलिए देखते हैं भाई एयरपोर्ट का वॉशरूम कैसा है। ओहो स्मेल तो अच्छी है भाई, सफाई भी अच्छी है, जूते साफ करने का घुमा भी है कि घुमा है, सफाई तो बढ़िया है भाई और दिखने में भी अच्छा है। सब्सक्राइब योर चैनल वेदी व्लॉग्स, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। बने रहो बाकी, और ठीक है भाई बढ़िया है, गाने भी चल रहे हैं। सर टिकट का क्या है? ठीक है सर। अच्छा मतलब सिंगल बंदा अगर जाना चाहे तो उसके भी 200 हैं, और ये इसीलिए कर रखा है मतलब कोई घूम के ना चले जाए। तो वही ऊपर आते ही कुछ ऐसा इंटरफेस है, एक तो ये है फ्लाइट, ये चाइना जाएगी, झूठ बोलो, और ये लद्दाख जाएगी, बार बार झूठ बोलो। तो जिसको चिंगपोंग से मिलना हो भाई इसमें बैठो, और जिसको गोरी गोरी कश्मीरियों से मिलना हो वो इसमें बैठो। हाय हाय इतना सुकून। एरोप्लेन 1 और एरोप्लेन 2, डीजे सिस्टम लगा रखा है लेकिन चल नहीं रहा। और देखो भाई ये कुछ फिश एक्वेरियम, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये तो। तो भाई यहाँ हमारा बोर्डिंग पास की एंट्री हो रही है, कहीं हम आतंकवादी तो नहीं है, कभी चाहे ना कोरोना ना लेके चले जाए हम वापस, ये भी ठीक है भाई। जिस हिसाब से ज़िंदगी चल रही है ना, जो रिंग लाइट लगा कर वीडियो बनवाया करूँगा लोगों की, 150 रुपये ले मैं एक मिनट के, तारा धंधा खोऊंगा पैसा ही पैसा होगा भाई साहब। 2 जहाज हैं, 20 मिनट हो लिया बाट देख दे, लेकिन रोटी नहीं मिल रही, कंप्लेंट करूँगा सरकार से, तारी रोटी नहीं दे रहे मने, के देखना पड़ रहा है भाई हमने, बस वो देख लो, बस यो देख लेकिन रोटी तो दे दो भाई साहब, टाइम पास की तो चलो की रिपोर्ट है, देखा भाई कोड में नंबर आओगा फिर बताते हैं आपको प्राइस क्या है, खाना कैसा है, और लाइव कॉन्सर्ट भी है। अरे भाई यो सब ड्रामा भी है, किसी ने मजे आंदे होता कर लियो, मछली हम पा देना यो सोदा भाई, इससे के फायदा हो लिख रहा, बाकी नहीं बेरा होगा भाई, मछली हम पा देना देना चाहिए बाकी, तो जैसे जिसकी सोच। तो भाई लद्दाख वाली नंबर आ लिया अपना, ही नहीं फोटो चल रही है, तो चला रोटी खाने। तो भाई देखते हैं अंदर का लुक, और ये है कुछ अंदर का लुक, तगड़ी भीड़ ला रखी भाई, ये बैठे हमारे घर के कैमरे कामरे भी ला रखे हैं। तो ये भाई पूरी फ्लाइट का रूम टूर, और ये कुछ खिड़की देखता तो कौन है बाकी बार जाम हो रही है खिड़की, यो बिल काउंटर, और ये बाकी लास्ट, ये क्या बार है सर? बार, अच्छा दारू पीऊ मैं दारू। तो ये भाई बार, यो बार जाने का, अच्छा तो ये भाई पूरा लास्ट फ्लाइट, इस साइड से तो दिखा कि मैं। तो भाई इतने खाने का ऑर्डर दिया है, और केक कट कर लेते हैं, और केक क्या ले, देखो इन्हें यहाँ से केक कर दी, आधा केक तो गत्ते ने खा लिया ओए नटखटे, तेरा जन्मदिन है, अरे जन्मदिन तेरा, हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी, केक काटो ये ये भैया का मेनू, और बहुत महंगी चीज़ें हैं यार, मतलब मेरे को तो मतलब दाल फ्राई है 275 की, दाल मखनी 300 की, और भाई जैसे पनीर है कढ़ाई पनीर है 400 रुपये, 355 लगा लो, मतलब शाही पनीर है 340, बहुत महंगी है भाई, रेट तो महंगे है भाई। ये भाई रोटी, ये मलाई कोफ्ता, पनीर 2000, चावल मशरूम, सारे शेफ हो गए हमारे, यो भी लाया भाई 1824 का, इसमें तो वे कटेंगे फायदा के, वे भी तो हमारी कोस से लागे बाकी, उससे मेरा क्या फायदा। तो भाई खाना खा के आए हैं और चलते हैं दूसरी फ्लाइट में, देखते हैं वहाँ का कैसा व्यू है,
कुछ अलग है या सेम है, तो देखते हैं वहाँ जाके। तो ये भैया एरोप्लेन नंबर 2 और इसका कुछ ऐसा व्यू देख सकते हैं आप, लगभग सेम है पर इसमें लाइटिंग वगैरह ज़्यादा है। इस फ्लाइट में बस ये जो सीट है इस साइड एक है, नहीं तो उसमें सेम ही है। इसमें टेडी टेबल है बिल्कुल, उसमें ऐसा था, इसमें थोड़ा सा ट्रेन टाइप में दे रखा है, बाकी ठीक है। ये भी फ्लाइट, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा भाई, देखो तो भाई खाना वाना खा लिया और अब करते हैं चलने की तैयारी। तो मतलब महंगा बेशक है लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी एक नंबर की है, और एक बार विजिट जरूर करो भाई, बेशक महंगा है लेकिन मज़ा आ जाएगा। तो फिर करते हैं बाय बाय, बाय बाय टाटा। फिर वीडियो में कि मैं बढ़िया लग गया हो तो अपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्याम बाबा। सब्सक्राइब योर चैनल वेदी व्लॉग्स, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।